जी गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ रीवा अरोड़ा, जो अपने एज को लेकर काफी हद तक ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में रहती है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू इनकी फैमिली की इनका जन्म साल 2007 में हुआ था और अभी ये 2024 में 17 साल की है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वो एक मूवी में नजर आई थी एंड देन उसके बाद आज से 4 साल पहले के इंटरव्यू में वो 9 साल की थी। तो अगर उनको थोड़ा सा और 4 साल उसमें ऐड कर दें 9 साल में, तो वो हो जाएगा 13 इयर्स। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि उन्होंने हार्मोनल चेंज इंजेक्शन और दवाई ली, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी को ये दिखाती है कि वो बहुत बड़ी है, पर वो अभी सिर्फ और सिर्फ 13 या 14 साल की है। क्योंकि इनका जो मूवी आया था उड़ी और साथ ही साथ छतरी वाली, इसमें वो जो एज था काफी हद तक ज्यादा छोटी थी, मोस्ट प्रोबेबली 9 साल की होगी। और अभी ये कह रही है कि वो 17 साल की है। तो उन्होंने ये बोला कि मुझे जितने लोग प्यार देते हैं वो मेरे लिए काफी है, बट यहाँ पे लोग जितना मुझे ट्रोल करते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को फोकस करती हूँ, नेगेटिविटी को नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि रीवा का कुछ टाइम पहले करण कुंद्रा के साथ एक रोमांस कॉन्टेंट आया था, जिसके वजह से करण कुंद्रा भी बहुत ट्रोल हुए कि वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ ऐसे ऐसे वीडियोस को बना रहे। मिल्खा सिंह ने भी बनाया था और उसकी वजह से वो भी बेचारे काफी हद तक ज्यादा ट्रोल हुए थे। अब मैं आपको बता दूं कि जो रीवा अरोड़ा है इनका टोटल नेटवर्थ है 8 करोड़। गाइस जी हाँ, अपने काफी हद तक ज्यादा लग्जरियस लाइफ को वो जीती है और काफी हद तक ज्यादा उनके पास लग्जरी की कार वगैरह भी है। सो गाइस, आपको ऐसा फील होता है कि वो 17 साल की है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।